सर पावर टिलर में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सब इम्पोर्टेंट चीज़ ही इम्पोर्टेंट। नहीं सर अधिकतम मतलब नहीं, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसके बिना पावर टिलर स्टार्ट हो जाए। वो नहीं सर खराब होने के बोल रहे हैं, जैसे फ्यूल फ्यूल जाम होने का। देखिए इसको खोलने के लिए सबसे पहले इसको ढील करते हैं, जैसे तो हाथ ये टाइट रहने के बाद हाथ से नहीं कर सकते, इसको बॉडी में लगा हुआ है उसी समय ढील कर देना है। ठीक है, ढील करने के बाद इसको एक वाशर रहता है यहाँ, वो रिंग, ठीक है वो रिंग कटा हुआ है अभी, इसमें वो रिंग नहीं है, वो रिंग है एक। ठीक है, ये डिलीवरी बल्ब है, एक मिनट ये डिलीवरी बल्ब हुआ, इसके बाद ये एक स्प्रिंग है, ठीक है ये होल्डर है ऐसे रहेगा, इसके बाद फिर पुनः जो है एक लॉक है, लॉक को कोई कांटी या कोई भी चीज़ से इसको हटा देना है, हटाने के बाद इसको पुश करना है, पुश करने के बाद हथौड़ी पर या कुछ ऐसे जब ठोकेंगे तो ये पिन निकल जाता है, अभी तो निकला हुआ है वो, इसलिए ये पिन है, ये पिन निकल जाता है। ये पिन निकल गया, उसके बाद इस चारे को जो है निकाल देना है इसमें से, ठीक है ये होल्डर में पूरा फंसा हुआ रहता है। ये एक भाग हुआ, इसके बाद ये रहता है, ये एलिमेंट का अंदर का है इंजेक्टर स्प्रिंग, ठीक है इसके बाद देखिए और क्वाड्रेंट, ये एक है कटोरी, उसमें देखिए बुक में लिखा हुआ सबका नाम, ये जैक को चलाने के लिए है, इसी में एलिमेंट रहता है फंसा हुआ, ठीक है ये भी। उसके बाद इसको कोई जैसे ठोकी हल्का, नहीं तो कभी आ जाता है। ठीक है, इसी में ये एलिमेंट फंसा हुआ रहता है। इंजाम क्या होता है? ठीक है, एक कटोरी में मिट्टी डीजल ले लीजिए, धो लीजिए, उसके बाद बुक से देख लीजिए क्या क्या नाम है किसका, चलिए बुक लीजिए कोई भी व्यक्ति। ये सब नहीं खोलते सर? नहीं उसको नहीं खोलना है, ये तो केवल चौक के लिए, ये जो जग फंसा हुआ रहता है ना। हाँ ठीक है, फ्यूल सप्लाई बढ़ा देगा ना जो बोले थे ना उसमें, थर्ड में एडजस्टिंग किया हुआ रहता है जो कि डीजल कम जाता है, जब डीजल कम जाता है तो उसको पुश करते हैं तो डीजल ज़्यादा देने लगता है, इसी में इसमें भी वही सिस्टम है, इसको पुश करते हैं, जब गवर्नर को घिसते हैं ना तो वो ऐसे फंसा हुआ रहता है, तो ये पूरा इधर चला आता है, ये आने के बाद तेल सप्लाई ज़्यादा हो गया, इसी को बोलते हैं चौक, फिर स्टार्ट हो, जैसे रनिंग हुआ, रनिंग होने के बाद वो अपने जगह पर जाके अस्थिर हो जाता है, इसको हटाना नहीं, अपने आप हट जाता है। ठीक है, बुक लीजिए, बुक में देखिए क्या क्या नाम है, चल जाता है सर, ये प्लंजर, ये बैलर है, ये बैरल, प्लंजर, क्वाड्रेंट, स्प्रिंग, स्प्रिंग रिटेनर, इसका ये दोनों पार्ट्स नहीं पता, ये है आपका वाल्व सीट, डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग, अरे होल्डर, ये एफ आई पी बॉडी, ये होता है कंट्रोल रैक, दोनों पार्ट्स का नाम देखो और क्या है वी एस टी में क्या क्या नाम है, एफ आई पी का पार्ट्स खोलो। ठीक है, तीसरा में ये डिलीवरी वाल्व लीजिए, ठीक है ये हो गया उधर से, ये पंप ऐसे रहता है, ठीक है ये भी इधर से जाता है, ये हुआ जो चीज के अंदर रहेगा, इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक है ये है,
स्प्रिंग जो है इसी के ऊपर है। पिन ये हुआ, ये पिन जो है यहाँ रख दीजिए। नहीं 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 देखिए ना, पिन वहाँ लगेगा, इसमें रहेगा। ठीक है, हो गया, दिखाई देता है ये पिन, लीजिए, समझ जाएगा ना वो पिन कहाँ का है। जी सर, इसको हटाइए, पर ये खुलेगा। ठीक है, एक ये चला जाएगा, दूसरा में ये, तीसरा में ये निकलता है। नहीं नहीं, नहीं। दूसरा में ये खुलेगा, ये वन टू ये आएगा, इसको निकाल रखिए, अभी मत बनाइए, वहाँ किलो के डब्बे में एक ठो कांटे से। उसको पलट के रखिए, रुकिए, सर बोलो नहीं, जेक लिखने की जरूरत है। ये जेक देखिए यहाँ रख देता हूँ। ठीक है जी सर, इसके होल के सामने रहेगा, ये मालूम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चौथा जो है ये इसमें फंसता है, ये चाहिए था। एक दूसरा ये आएगा, दो तीन चौथा ये निकलेगा, पांचवा ये है आपका, छठा सातवां में ये आएगा आपका, समझ जाइएगा ना। जी सर एकदम। सातवां आठवां ये आएगा, एक नंबर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले लीजिए। जी सर, ठीक हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं सर, नहीं।